हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैं मार्केट से बहुत सारा आलू लेके आई हूँ और उसे उस आलू को अच्छे से धो लेना है। उस पर जो मिट्टी लगी रहती है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से साफ़ हो जाए। उसे छील लीजिए, छील के पानी के अंदर ही रखिए। फिर उसे कद्दूकस कर लीजिए, पतले पतले स्लाइस निकाल के उसको भी पानी के अंदर ही रखनी है। और इसलिए पानी के अंदर रखनी है कि अगर आप उसको बाहर कद्दूकस करके छोड़ेंगे ना, तो वो काला चिप्स जो है वो काला पड़ जाएगा। इसलिए पानी के अंदर ही रखनी है। और ये उसके बाद इसको ना दो तीन पानी से ना खूब अच्छी तरह से इसे धो लेना है, क्योंकि इसमें स्टार्च रहता है ना, तो वो चिप्स को काला कर देता है। इसलिए आप जब तक धोइए, जब तक पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए पानी। उसके बाद में एक पानी, दो पानी, तीन पानी, मतलब जब आप दो तीन पानी धोएंगे ना, तो वो पक्का अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, पूरी रात पानी, साफ पानी के अंदर एक चुटकी फिटकरी डाल के और उससे पूरी रात के लिए ढक के रख दीजिए साइड में। जब आप सुबह उठिए, फिर उसे एक पानी से अच्छे से धो लीजिए। फिर आप कढ़ाई में पानी या जिस भी पतीले में आप उसको बॉयल करना चाहते हैं, उस पतीले में पानी रखिए। पानी जब एक बॉयल आ जाए, तब आप उस चिप्स को उसके अंदर डालें। और उसको डालते वक्त थोड़ा नमक और थोड़ी सी फिटकरी भी डाल दें, क्योंकि फिटकरी से ना थोड़ा वो कलर साफ़ हो जाता है, चिप्स बिल्कुल थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। और चिप्स को डाल के ना उसको हल्के से उलट पलट भी करनी है। ऐसा नहीं करने से ना नीचे का चिप्स पक जाएगा और ऊपर का चिप्स जो है वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा। अब उसे परखे कैसे, जांचे कैसे कि ये चिप्स हुआ है कि नहीं, तो चिप्स को आप लीजिए, उसको फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद में वो मतलब टूटेगा नहीं, फोल्ड हो जाएगा, फिर खोलने पर वापस हो जाएगा, सही खुल जाएगा। उसको एक परख ये भी सकते हैं कि उसको नमक नाखून लगा के भी उसको आप जांच सकते हैं कि हाँ ये हुआ है कि नहीं। ये देखिए, मैंने इसको हाफ फोल्ड किया, फिर खोला, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। अब इसको छान लीजिए, छान के अब धूप में डालिए। छत के ऊपर आप एक कॉटन के बेडशीट डाल दीजिए, उसके ऊपर जाके इसको एक एक करके पूरी अच्छी तरह से फैला लीजिए। और ये देखिए, बड़ी सावधानी से लेते हुए जाइए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म रहता है तो पानी न टपके, इसलिए छन्नी के अंदर जिसमें से पानी निकल जाए नीचे एक प्लेट रख दीजिए और छत के ऊपर डाल दीजिए। और डालने के बाद में बीच में उसको जाके एक बार पलट दीजिए, अलट पलट करके उसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए। बिल्कुल जब अच्छी तरह से सूख जाए, फिर वो तलने के लिए ले आइए। और आप कढ़ाई में तेल गरम करिए, तेल जब खूब अच्छे से गरम हो जाए, उस गैस को बिल्कुल कम कर देनी है। फिर इसमें थोड़ी सी चिप्स लेके डालनी है और देखिए डाल के उसको निकालनी है। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, और इसको अच्छे से निकाल के फिर साइड में रखिए। एक बार और थोड़ा निकाल लीजिए, इस पर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालिए और डाल के तैयार कर लीजिए। खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करिए।